पेट्रोल की कीमत को पर क्या लगे, हर चीज उड़ने लगी। महंगाई का मुंह जोर सलामत वस्त तबके को ले डूबा। अशिया खुरनोश अद्वियात समेत हर चीज महंगी। कीमतों में इजाफे ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई की सताई अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। नई हुकूमत आएगी तो हमें कोई सुकून मिलेगा, लेकिन हमें सुकून नहीं है। हम चाहते हैं कि इससे जीने से तो बेहतर है हम मर जाएं। ये चीनी जो ना हम 10 किलो ले जाते थे, अब ये 2 किलो भी है। हम बड़े परेशान हूँ, दवाई महंगा थी हूँ जीवन के मर वहीं बेहतर है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, सरकारी अस्पताल से तो मिल ही नहीं रही, बाहर से भी ले तो बहुत महंगी हो गई है। गरीब आवाम क्या करे अब। भावलपुर के इलाके फैजवाह में रास्ते के तनाजे पर झगड़ा, जमींदार का साथियों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद पर तशद्दुद। जख्मी तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल। मुतासर अफराद का हुकाम बारा से नोटिस लेने का मुतालबा। दिन में अगर मजबूरी है तो शाम को स्कूल आएं, पढ़ें और तहाइफ भी हासिल करें। महकमा तालीम पंजाब ने भावलपुर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया। बच्चों को शाम के अवकात में एडवांस क्लासेस की सहूलियात फराहम। शाम को पढ़ाने वाले तलबा के लिए साइकिल और कैश, जबकि असातिज़ा को भी पुरकशिश मराहत मिलेंगी। बारथी में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के वालिद के रस्म कुल, कुरान खानी का सिलसिला जारी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत कबायली अमायदीन की शिरकत। अताउल्ला ईसा खेलवी अलालत के बायस लाहौर में जेरे इलाज। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी ने लाहौर में अयादत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। मॉडल कोर्ट्स के कयाम और न्यू जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसले के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया गया। सेक्रेटरी पाकिस्तान बार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। और मुल्तान रेलवे ग्राउंड में पॉइंट्समैन भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का तीसरा रोज, उम्मीदवारों की बड़ी तादाद टेस्ट के लिए मौजूद।